मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मंच पर विराजमान यहां के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान धूमल जी, श्रीमान शांता कुमार जी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतपाल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, थावरचंद गहलोत जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सतपाल सिंह जी, यहां के सांसद श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, यहां के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभाएं तो हमने बहुत देखी है लेकिन आज इस मैदान में मैं देख रहा हूं कि 8 मंजिला सभा है। ये दूर दूर छत पे चढ़े हुए लोगों को सुनाई देता होगा कि नहीं सुनाई देता होगा। हिमाचल के साथ मेरा बड़ा विशेष नाता रहा है, हिमाचल ने मुझे भरपूर प्यार दिया है। और मैं जानता हूं पहाड़ों से नीचे तराई में कहीं पहुंचना है तो कितने पहले निकलना पड़ता है, कितना पैदल चलना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ये मैं भली भांति समझता हूं। और उसके बावजूद भी दूर दूर पर्वतों की चोटियों से उतर उतर करके आप मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। ये देवभूमि है, ये वीर माताओं की भूमि है और ये वीर ओजस्वी तेजस्वी सपूतों की धरती है। माता नैना देवी के आशीर्वाद से यहां की आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रज्वलित रहती है। भाइयों बहनों, ये गोविंद सागर मैं देख रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह जी की याद दिलाता है, लेकिन ये गोविंद सागर बिलासपुर के लोगों के उस त्याग और तपस्या की कथा भी कहता है कि देश में कृषि क्रांति लाने के सपने को लेकर के बिलासपुर ने
जो त्याग किया उसी के कारण भाखड़ा डैम बना, नंगला डैम बना, भाखड़ा नंगला डैम, और उसी त्याग का परिणाम है कि पंजाब हो, हरियाणा हो, वो हरा भरा बना। लेकिन उसके मूल में ये बिलासपुर और इस इलाके के लोगों की त्याग की गाथा उसमें समाई हुई है। अरे गोविंद सागर यहां के नागरिकों ने देश के विकास के लिए जो त्याग किया, देश के लोगों को अन्न मिले, हमारी खेती फले फूले, इसके लिए जो त्याग किया उसी के कारण देश समय रहते अन्न के भंडार हमारे किसानों ने भर दिए। और इसलिए देश में जब जब कृषि विकास की बात आती है तो बिलासपुर के त्याग की बात सदा सर्वदा गोल्डन पृष्ठ की तरह लिखी जाती है। भाइयों बहनों, और ये बिलासपुर, ये हिमाचल हिंदुस्तान का कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश के तिरंगे झंडे को आन बान शान बचाने के लिए कोई ऐसा काल नहीं होगा कि मेरे हिमाचली वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान न दिया। मां भारती के लिए बलिदान न दिया हो ऐसा इस धरती में कभी सुनने को नहीं मिलेगा। तीन तीन चार चार पीढ़ी अपनी जवानी देश की रक्षा में सीमाओं पर खपा दी है, ऐसे तो अनगिनत परिवार ये हमारी हिमाचल की गोद में पलते हैं। और इसलिए त्याग, तपस्या, बलिदान, अध्यात्म, हर विषय में हिमाचल ने अपनी एक शान बनाई है, अपनी आन बनाई है। और अगर ऐसे ही हिमाचल के लिए कुछ करने का मौका मिले तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। आज यहां एक ही कार्यक्रम में कितने सारे प्रकल्प, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के काम, कुछ शिलान्यास, कुछ लोकार्पण। हिमाचल में एम्स का बनना ये सिर्फ हिमाचल के लाभ में है ऐसा नहीं है, हिमाचल का तो लाभ है ही है, लेकिन हिमाचल ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। देश के कोने कोने से यात्री यहां आते हैं और अक्सर यहां की पहाड़ियों में किसी न किसी अकस्मात के कारण बस की बस नीचे खाई में चले जाना, दूर दूर से लोग आते हैं। अगर उनको ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मिल जाए, एम्स जैसी व्यवस्था मिल जाए, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आए हुए यात्री को भी ये हिमाचल की धरती
उसको ठीक ठाक करके, उसका स्वास्थ्य अच्छा बना करके अब एम्स आने के बाद उसके घर लौटाएगी। और जब हिंदुस्तान से आने वाले को पता चलेगा कि हिमाचल में मेरी इतनी देखभाल होती है तो यहां टूरिस्ट का भी आना मन करेगा। बहुत साल पहले मुझे पता है, मैं गुजरात में था, हमारी पार्टी के एक ट्रेजरर हुआ करते थे, वे परिवार के साथ हिमाचल आए थे और शिमला के पास अकस्मात हो गया, हर किसी को गंभीर चोट आई, कुछ सीरियस चोट आई, लेकिन चंडीगढ़ अस्पताल तक उनको ले जाना पड़ा और जाते जाते रास्ते में दो लोगों की मृत्यु हो गई। उनका मुझे फोन आया, मैंने यहां हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को फोन किया, मैंने कहा देखिए भाई ये हमारे पार्टी के परिचित लोग हैं, सारे लोग मदद में लग गए, कोई खून देने के लिए, कोई उनकी चिंता करने के लिए। और इसने मुझे भली भांति पता है कि हिमाचल में जो यात्री आता है देश के कोने कोने से, उसे जब इस व्यवस्था का पता चलता है तो आने के लिए उसका विश्वास बढ़ जाता है। और इसलिए ये एम्स हिमाचल वासियों के लिए तो एक जीवन संजीवनी लेकर के आया है, लेकिन हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये अस्पताल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। और इसलिए हिमाचल में अस्पताल बनना मतलब देश के टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का काम है जो आज बिलासपुर की धरती पे हो रहा है। यहां आने से पहले मैं सरकारी कार्यक्रम में था और वहां पर मैंने एम्स का शिलान्यास का कार्यक्रम किया और वहां पर मुझे उसका सारा मॉडल दिखाया गया, मैप दिखाए गए और जो बात मेरे सामने प्रस्तुत की गई, 1300 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाला यह अस्पताल न सिर्फ हिमाचल के लिए लेकिन पूरे उत्तर भारत के लिए, उसका जो डिजाइन है, दृश्य है, मैं समझता हूं ये स्टेट ऑफ द आर्ट बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए एक ऐसी व्यवस्था जो हिमाचली के स्वास्थ्य से जुड़ी है, हम जानते हैं हमारे इस इलाके में सामान्य रूप से हिंदुस्तान में जो पुरुषों के मृत्यु दर है, हिमाचल के पुरुषों की मृत्यु दर ज्यादा है। यहां पर फेफड़े की बीमारी, सांस की बीमारी 30-40 साल की उम्र होते होते बहुत से लोग इसके शिकार हो जाते हैं। और इसलिए हिमाचली लोगों के लिए अगर स्वास्थ्य का सही प्रबंध हो जाता है तो मैं मानता हूं कि हिमाचल के जो हमारे वीर जवान हैं, जो देश के लिए मर मिटते हैं, ऐसे हिमाचली का हर नौजवान राष्ट्र के कल्याण के लिए सामर्थ्यवान बनेगा। यहां की माताओं बहनों को उत्तम से उत्तम आरोग्य की सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेगी। ये ऐसा कैंपस बन रहा है कि जिसमें 3000 से ज्यादा लोग एक साथ वहां काम करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अस्पताल बनने के साथ रोजगार की भी कितनी संभावनाएं बढ़ती हैं। हमारे नड्डा जी आरोग्य मंत्री हैं, भारत सरकार में आरोग्य की सेवाओं को लेकर के
अनेक नए नए तौर तरीके ढूंढना, क्योंकि उनको हिमाचल का अनुभव भी रहा है पहले। अभी उन्होंने एक योजना बनाई है इंद्रधनुष। अगर दुनिया के किसी देश में इंद्रधनुष नाम की योजना होती तो उसकी कितनी वाहवाही होती मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन भारत में चीजों को समझते समझते जरा देर लगती है। हमारे देश में इतनी सारी आरोग्य की सेवाएं, बच्चों के लिए टीकाकरण, न जाने कितने अभियान, टीवी पर, रेडियो पर इतनी एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों बालक टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं, लाखों बालक छूट जाते हैं। और टीकाकरण एक छोटी सी चीज से छूट जाने के कारण 5-10 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते ही किसी न किसी गंभीर बीमारी का वो शिकार हो जाता है। जीवन भर परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाता है। जवान मां बाप को अपने सपने छोड़ करके अपने संतान के पीछे, बेटा हो या बेटी हो, अगर उसको लकवा मार गया, कोई नई बीमारी आ गई, तो अपनी जवानी बेटे के लिए खपा देनी पड़ती है। इन बच्चों को कौन बचाए? हमारे नड्डा जी ने बेड़ा उठाया है इंद्रधनुष योजना के द्वारा। इंद्रधनुष योजना के द्वारा टीकाकरण का एक अभियान चलाया उन्होंने, और पहले राउंड में जब अभियान चला, जो छूट गए थे ऐसे बालकों को ढूंढ ढूंढ करके उनका टीकाकरण करवाया। बाद में देखा अभी भी कुछ छूट गए हैं, और ये भी ध्यान में आया कि शहरी क्षेत्र में छूट गए हैं, ये और चिंता का विषय है। तो हमारे नड्डा जी ने फिर से अभियान उठाना तय किया है, और इसी सप्ताह देश भर में फिर से एक बार इंद्रधनुष योजना के माध्यम से जो बच्चे टीकाकरण से छूट गए हैं, उन बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए भारत सरकार पूरे देश में नड्डा जी के नेतृत्व में अभियान चलाने जा रही है। दिवाली के पहले ऐसे बालकों को खोज खोज करके टीकाकरण करवाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, देश भर के कार्यकर्ताओं को, मैं सभी एनजीओ को, मैं सभी नागरिकों को, मैं एनसीसी हो, एनएसएस हो उसके कैडेट्स को, मैं स्कूल कॉलेजेस को, मैं राजनीतिक दलों को, मैं राज्यों की सरकारों को, हर किसी से आग्रह करता हूं कि दिवाली के पहले ये जो इंद्रधनुष फिर एक बार का जो अभियान शुरू हो रहा है, आप भी ऐसे बच्चों को खोजने में मदद कीजिए, टीकाकरण करवाइए, और अगर एक बच्चे का भविष्य में होने वाली बीमारी से आपने बचा लिया, किसी भी नागरिक ने पुण्य का कार्य किया, तो जीवन में इसके बड़ी भलाई का काम क्या हो सकता है। भाइयों बहनों, आज यहां ट्रिपल आईटी का भी एक शिलान्यास हुआ है, एक नए भवन के लिए ट्रिपल आईटी का काम होना जा रहा है, ये बात सही है। अच्छे परिसर भी समय की मांग होती है, अच्छे परिसर की अपनी एक ताकत होती है। हमने ट्रिपल आईटी का एक ऐसा परिसर बनाने के लिए सोचा है कि जो सच्चे अर्थ में शिक्षा का और संस्कार का धाम बना रहे। कभी कभी लोगों को लगता है कि ट्रिपल आईटी जैसी इंस्टीट्यूट आती है तो एक नई कॉलेज बन जाती है। हिमाचल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
ट्रिपल आईटी का मतलब ये नहीं है कि एक कॉलेज जुड़ गई है। ट्रिपल आईटी का आने का मतलब है हिमाचल में एक नए युग का शिलान्यास हुआ है, आधुनिक हिमाचल का शिलान्यास हुआ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पार करने वाला ऐसे हिमाचल का शिलान्यास हुआ है। एक ऐसी नई पीढ़ी को जन्म देने का ये शिलान्यास हुआ है जहां से हिमाचल के ऐसे नौजवान निकलेंगे जो देश के भविष्य को बनाने में काम आएंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम आएंगे। और इसलिए ये कोई इमारत नहीं है, ये एक नई कॉलेज नहीं है, एक ऐसी चीज है जो हिमाचल को आधुनिकता की तरफ ले जाने के लिए, देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली। आज मुझे एक तीसरा अवसर भी मिला, हमारे शांता कुमार जी के कार्यक्षेत्र में स्टील इंडस्ट्री का लोकार्पण। सरकार कैसे चलती है और सरकार पहले कैसे चलती थी, ये अगर समझना है तो स्टील की इंडस्ट्री को देख लीजिए, समझ जाएगा। सिर्फ 70 करोड़ रुपयों की लागत का कारखाना, लेकिन भारत सरकार के ही दो डिपार्टमेंट अंदर अंदर लड़ते रहे 7 साल तक, ये प्रोजेक्ट लटका रहा 7 साल। 70 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट 7 साल लटकता रहा। क्यों? एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ, दूसरा तीसरे के खिलाफ, और कोर्ट कचहरियां चलती थी, क्योंकि दुर्बल सरकार ऐसी थी कि जहां हर डिपार्टमेंट में एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। एक सरकार में अनेक सरकारें थी और रिमोट से चलने वाली दूसरी सरकार, और इसके कारण ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लटके पड़े थे। मैं इन दिनों भारत सरकार में एक प्रगति नाम का कार्यक्रम करता हूं, हर महीने देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ बैठता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और जो पेंडिंग मामले होते हैं उसको निकालता हूं। ये ऊना के पास रेल 40 साल से अटका पड़ा प्रोजेक्ट मैंने निकाला। मैंने कहा क्यों नहीं, ये बिलासपुर को रेल चाहिए कि नहीं चाहिए? लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट एक डिपार्टमेंट चलाता है, दूसरा दबा करके बैठा हुआ था। ये सारे निकाल निकाल करके क्लियर करवा रहा हूं। भाइयों बहनों, सरकार का काम होता है सभी डिपार्टमेंट को साथ लेकर के उत्तम से उत्तम परिणाम देने का, और आज हमारी सरकार बनने के बाद उस पुरानी सारी समस्याओं को निकालते 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 कुछ महीनों से उसका प्रोडक्शन चालू हो गया, कई नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं बनी। सरिया के कारण यहां के मकान बनाने में, यहां के उद्योगों की इमारतें बनाने के अंदर लोकल सरिया सस्ते में भी मिलेगा, रोजगारी भी मिलेगी, और आज उसका भी लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं और हिमाचल की जनता को मैं अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, वन रैंक वन पेंशन, सेना के निवृत्त अधिकारी आए करके मुझे भी सम्मानित कर रहे हैं, और मैं देख रहा था वो इतने भाव विभोर थे। इस देश का सेना का हर जवान उसी भाव से मैं आशीर्वाद दे रहा है। 40 साल से लटका हुआ मसला, 40 साल कोई पूछने वाला नहीं था। हिमाचल के अंदर मैं चुनाव सभा में आया था, तब मंडी में मैंने घोषणा की थी कि हम वन रैंक वन पेंशन दे के रहेंगे। अब तक 3 किस्त के पैसे दे चुके हैं और निकट भविष्य में 4थी किस्त का भी पैसा चला जाएगा सेना के जवानों के घर में। और ये छोटे छोटे जवान होते हैं, बड़े बड़े बाबुओं का नहीं होता है, उनके घरों में सीधा चेक चला गया।
करीब 8,500 करोड़ रुपया उनको वितरित कर दिए गए। मैं जानता हूं इसके कारण सरकार पे बोझ पड़ता है, तकलीफ आती है, रुकावटें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लिए मेरे देश का सेना का जवान मेरी प्राथमिकता है। अभी 3 दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह हुई, मैं देश के मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह को, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शित किया, पुनर्स्मरण करवाया, उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है मीडिया के लोगों ने, देश के जवानों के प्रति, देश के नागरिकों के आदर में बढ़ोतरी होती है ऐसा करने से, सेना के प्रति गौरव का भाव जगता है। और यही तो भावना है जिसके लिए 25-30 साल का नौजवान सारे सपने एक तरफ रह करके सीने पर गोलियां झेलने के लिए तैयार हो जाता है। यही तो भावना होती है। ये भावना बरकरार रखने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के 1 साल को देश के मीडिया ने जिस प्रकार से प्रकट किया, प्रस्तुत किया, देश के जवानों का भी हौसला बुलंद किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारी देश की सेना ने दिखा दिया है हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। और आज देश की सेना, उसका जो मोरल हाई है, शायद कई वर्षों के बाद देश की सेना में यह रुतबा देखने को मिल रहा है, ये मोरल हाई। और यही तो सबसे बड़ी ताकत होती है, उसके मन की स्थिति, उसके संकल्प का सामर्थ्य, उसके त्याग की पराकाष्ठा, यही तो राष्ट्र की संपत्ति होती है। मैं आज जब हिमाचल वीरों की धरती पर आया हूं, तब हर गांव में 5-50 मेरे फौजी लोग रहते हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं जिन्होंने देश की सेवा की है, जो आज देश की सेवा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इन दिनों हिमाचल में करीब करीब 13 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं, परियोजनाएं जिसमें 7 बड़ी सड़क हैं, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के 7, पेट्रोलियम के 2, पावर के 2, रेलवे का 1, अर्बन डेवलपमेंट का 1, ये 13 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार हिमाचल में 15,000 करोड़ रुपए लगाएगी, 15,000 करोड़ रुपए। ये 15,000 करोड़ रुपया जब हिमाचल में लगेगा, आप कल्पना कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट को लागू होने समय कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। जो व्यवस्थाएं विकसित होगी वो नया हिमाचल को बनाने में कितने बड़ा योगदान देगी, ये हम भली भांति जान सकते हैं। भाइयों बहनों, हिमाचल के साथ मेरा नाता पुराना, इसलिए मेरा जरा लगाव रहता है, कुछ ज्यादा करने का मन भी करता है, लेकिन ज्यादा करने का मन करता है उसका एक और कारण भी है इन दिनों, और उसके लिए मैं हिमाचल की माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं और हिमाचल के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। और वो काम है स्वच्छता की दिशा में हिमाचल के नागरिकों ने जो जागरूकता दिखाई है, ये अभिनंदन के पात्र है। हिमाचल ने कमाल करके दिखाया। मैं यहां के सरकारी अधिकारियों को, यहां के नागरिकों को स्वच्छता के अभियान में जो हिमाचल ने काम किया है उसके लिए बधाई देने से अपने आप को रोक नहीं सकता। और जब आप स्वच्छता का काम करोगे
तो मुझे भी तो आपके लिए कुछ करने का मन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो इस स्वच्छता के अभियान को जारी रखोगे और तेज बढ़ाओगे। ये स्वच्छता ही है जो टूरिज्म को खींच करके लाने वाली है, और ये टूरिज्म ही है जो आपके परिवार को संपन्न और समृद्ध बनाने वाला है। भाइयों बहनों, आज हिमाचल की स्थिति क्या है? हिमाचल में जमानती सरकार चल रही है। ये जमानती सरकार है तो मुझे कांग्रेस के लोग मिलने आए एक बार, ऐसे ही मेरी बात चली। मैंने कहा यार, ये आपके मुख्यमंत्री उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मसले में जमानत पे बाहर है, आप सीएम बदलते क्यों नहीं है, बदलते क्यों नहीं है? बोले कैसे बदले, हमारी पूरी पार्टी जमानती है, कौन बदलेगा? बोले बोले हमारे अध्यक्षा वो भी नेशनल हेराल्ड कैड के भ्रष्टाचार के मसले पर जमानत पे है, उनके युवराज भी नेशनल हेराल्ड कैड भ्रष्टाचार के अंदर जमानत पे है। अब सब जमानत पे है, पार्टी भी जमानत पे, सरकार भी जमानत पे, भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पे। अब मुझे बताइए, हिमाचल को ये जमानती सरकार को अब जमानत देनी है कि नहीं देनी है? मुक्ति देनी है कि नहीं देनी है? ये कब तक जमानती सरकार को झेलोगे? भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार ने इस देश को खोखला कर दिया। हमारा देश गरीब नहीं था, हमारे देश का नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि लूट का माल कुछ लोगों की जेब में जा रहा है तो धीरे धीरे उसने अपना मुंह फेर लिया। भाइयों बहनों, फिर से इस देश में नया युग आया है। हिंदुस्तान के आवाम का एक एक पाई का काम आवाम के लिए होगा, ये संकल्प लेकर के हम सरकार चला रहे हैं। 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, भाइयों बहनों, इस सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। वो दिन याद कीजिए, 2014 के अखबार निकाल लीजिए, दिन रात खबर आती थी, दिन रात एक ही खबर आती थी, कोयले में इतना, 2G में इतना गया, फलाने में इतना गया, दिखने में इतना गया, जल में इतना गया, नभ में इतना गया, जमीन पे इतना गया, यही खबरें आती थी कि नहीं आती थी? वो भी एक वक्त था, आए दिन सवाल पूछा जाता था, कितने रुपये गए? और आज ये भी वक्त है कि मोदी जी को ये पूछा जा रहा है, कितने आए? यही बदलाव है। और इसलिए भाइयों बहनों, छोटा सा राज्य हिमाचल, आप सिक्किम देखते आइए, मुश्किल से 10 लाख भी आबादी है, और जितनी आबादी है उतने टूरिस्ट सिक्किम में आते हैं। पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया है। भाइयों बहनों, हिमाचल के अंदर वही ताकत पड़ी है, अगर अच्छी सरकार हो, लोगों का साथ हो, सपने अपार हो, जी चाहे वैसा परिणाम मिल सकता है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आपके सपनों को साकार करने के लिए तैयार है। और इसलिए भाइयों बहनों, हिमाचल में
विकास की नई ऊंचाइयां, सड़क और बिजली, मैं मानता हूं हिमाचल के भाग्य को बदलने की सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। टूरिज्म के लिए भी अच्छी सड़कें और आवश्यक बिजली ये अगर उपलब्ध कराई जाए तो टूरिस्ट यहां रहने का मन कर जाएगा, वो आकर के भागेगा नहीं, और जितना ज्यादा रुकेगा उतना ज्यादा धन खर्चा करेगा, और जितना ज्यादा धन करेगा वो आपके जेब भरता जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है, अभी हमने एक योजना को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। सहज हर घर को बिजली मिले, 1000 दिन का मैंने एक अभियान उठाया हुआ है कि हिंदुस्तान में एक गांव भी ऐसा मैं नहीं रखूंगा जहां बिजली न पहुंचे। 80-90% काम पूरा कर दिया है, बाकी काम भी 1000 दिन के भीतर भीतर पूरा होने वाला है। अब मैंने दूसरा बीड़ा उठाया है, हिंदुस्तान का कोई भी परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहता होगा तो भी उसको बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए। अब पहले बिजली का कनेक्शन लेने जाते थे तो बिजली वाले कहते थे खंभा इतना दूर है, वहां से यहां तक खंभा लाना है तो इतना खर्चा लगेगा, तार का इतना खर्चा लगेगा, कनेक्शन का 30,000, 40,000, 50,000, 20,000 रुपया लगेगा। तो गरीब आदमी सोचता था भाई तेरी बिजली लेने के लिए मुझे 20,000-25,000 खर्च करना पड़े तो मैं 20,000-25,000 से कोई अच्छे घर में किराए पर न चला जाऊं, कनेक्शन लेता नहीं था। सरकार उसके घर तक खंभा लगाने के लिए तैयार नहीं थी, ये मैं जानता हूं उसके पीछे अरबों खरबों का खर्चा है, लेकिन ये पैसे किसके लिए है जी, इस देशवासियों के लिए ही तो है। हमने योजना बनाई है कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत अभी भी हमारे देश में, एक जनरली कहें तो 25 करोड़ परिवार है, पूरे देश में 25 करोड़ परिवार है, उसमें से 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं, ये संख्या कम नहीं है, 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली का लट्टू नहीं है, वो 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर है। क्या मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे हिमाचल के प्यारे भाइयों बहनों, मुझे जवाब दीजिए, क्या इन 4 करोड़ परिवार गरीब हो, दूर दराज रहते हो, उनको घर में बिजली कनेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा जोर से बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? समय सीमा में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सौभाग्य योजना से उनका सौभाग्य बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत इन 4 करोड़ परिवारों में कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। जो कनेक्शन को उसको 15-20 हजार रुपया लगता था वो सरकार बोझ उठाएगी, और कनेक्शन मिलने के बाद उसको प्रीपेड मीटर मिल जाएगा, और जैसे मोबाइल फोन चार्ज कराते हैं वैसे उस मीटर को भी चार्ज करा करके वो अपने घर में बिजली का उपयोग कर पाएगा, वो सुख चैन की जिंदगी जी पाएगा, बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। हिमाचल जो टूरिस्ट प्लेस है, अगर यहां ये सुविधा बनती है तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी बहुत काम आती है। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे आपके बीच आने का मौका दिया, और आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए,
मैं हिमाचल सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इसके पूर्व सरकार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी समेत सबने आकर के इसकी सराहना की, उसका गौरवगान किया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं फिर एक बार हिमाचल वासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी अभी विजयादशमी का पर्व गया है, हिमाचल का विजयादशमी पूरे देश के लिए आन बान शान है और कुछ ही दिनों में दीपावली का पर्व आप मनाने वाले हैं। मेरी तरफ से हिमाचल वासियों को आने वाली दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद, मोदी जी को जय श्री राम। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देवभूमि बिलासपुर में पधारने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। करने के बाद मैंने ही उसको अपने बच्चे की तरह पाला। पेड़ों का कटान बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे, तो उसको सही नहीं लगा वो चीज़ें, उसने शिकायत